हेलो दोस्तों, आज हम बात कराने हैं उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती के संबंध में। क्लर्क और LT शिक्षकों के बाद जो है भर्ती निकली है, जिसमें आपको यहाँ पर संस्कृत, वाणिज्य, विज्ञान, SST और यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये पदों के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, योग्यता क्या क्या रखा है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका आ रखी है पंजाब सिंध क्षेत्र इंटर कॉलेज ऋषिकेश देहरादून। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है विज्ञापन संख्या, आप लोग यहाँ पर देखते हैं 01/2021-22 का लिखा गया है। और ये जो है आसास की सहायता प्राप्त है, यानी कि आपकी गवर्नमेंट है। कई लोग जो स्थाई या अस्थाई में जो है कन्फ्यूज करते हैं, चाहे आपका अस्थाई भी लिखा हो तो ये गवर्नमेंट जॉब आपकी रहती है आसास के स्कूल में, जैसे आपका सरकारी रहती है, जो जैसे आपका यहाँ पर शासकीय स्कूल में रहता है, सेम अशासकीय स्कूलों में भी रूल रेगुलेशन सेम है, बस सिलेक्शन प्रोसेस अलग आपका है। और 14 तारीख को यहाँ पर रिलीज है, 21 डेज आप ऐड कर लीजिए, यानी कि आपका 5 जनवरी लास्ट डेट यहाँ पर है। तो अभी भी टाइम है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रवक्ता वाणिज्य का है, इसमें एक तो प्रवक्ता का भी निकल रखी है एक पोस्ट, आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसमें आप लोग को यहाँ पर आवेदन करना है प्रवक्ता के लिए, जो वाणिज्य में निकल कर आ रखी है। इसके लिए आपके वाणिज्य विषय में जो है स्नातक होना चाहिए और आपके पास BEd होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए जो कि अनुसूचित जाति के लिए निकल के आ रखी है। दूसरी पोस्ट यहाँ पर विज्ञान LT के लिए है, तो LT में जो है सामान्य जाति के लिए है एक पोस्ट रखा गया है। इसके लिए जो है आपके पास विज्ञान में ZBC होना चाहिए और BEd होना चाहिए, UTET सेकंड या CTET सेकंड में से कोई भी एक चीज़ होना जरूरी है। उसके साथ साथ अगर आप लोग इंटीग्रेटेड BSc BEd कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट निकली आपकी LT जो कि व्यायाम शिक्षक के लिए निकले, सामान्य अभ्यर्थी के लिए एक पोस्ट निकल के आ रखी है। इसमें आपके पास जो है यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है आपके पास जो है व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर BPed होना जरूरी है। और इसके लिए 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और मुख्य शिक्षा अधिकारी जो कि जिला देहरादून, वहाँ से आपको डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा और मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से ये फॉर्म आपको मिलेगा। 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं और एक वर्ष की छूट मिलेगी जो कि सरकार ने यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी इसमें लागू है। और प्रवक्ता और सहायक अध्यापक यानी कि LT पर दोनों के लिए भर्ती आपकी आई हुई है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी भर्ती क्लर्क के लिए है, इसमें आप लोग देखते हैं सहायक कनिष्ठ सहायक है 14 तारीख निकली, इसकी भी 5 तारीख लास्ट डेट है, सामान्य अभ्यर्थी के लिए निकल के आ रखी है क्लर्क के। इसमें आपको पास 12वीं पास होना जरूरी है और 21 डेज इसका रखा गया है, ये आपको इसी स्कूल में मिलेगा जो कि यहाँ पर प्रबंधक जयिका देवीधार जो कि यहाँ पर रुद्रप्रयाग में है, जखोली चमोली में है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसी स्कूल में फॉर्म मिलेगा और इसका फॉर्म आपको सारा कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट भर्ती यहाँ पर है LT के लिए है, कार्यालय आदर्श इंटर कॉलेज और सुरईखेत बिठोली और द्वाराहाट अल्मोड़ा में निकल के आ रखी है। ऐसा एक अध्यापक LT है, सामान्य वाले यानी कि SST के लिए है। और इसके लिए जो है आपके पास हिस्ट्री जो कि आपका अर्थशास्त्र है, इतिहास, भूगोल जो भी है, एक में से कोई भी दो चीज़ें होने जरूरी है, UTET सेकंड होना जरूरी है, ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में होना चाहिए, UTET सेकंड या CTET सेकंड होना जरूरी है। और इसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है आवेदन करने का जो यहाँ पर समय दिया गया है, ये आपका फॉर्म निकला 18/12 को निकल के आ रखा है, तो 18 से 21 डेज आप ऐड कर लीजिएगा, तो लगभग जो है आपको 9 तारीख इसकी जनवरी में 9 तारीख जो इसकी लास्ट डेट है, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा इसमें भी। और सेम प्रोसेस है और जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय से ही फॉर्म प्राप्त आपका यहाँ पर होगा और पंजीकृत डाक द्वारा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्या इंटर कॉलेज देघाट जो कि अल्मोड़ा में है, यहाँ पर जो है LT संस्कृत की पोस्ट निकली है, एक तो एक यहाँ पर पोस्ट है वो भी सामान्य अभ्यर्थी के लिए, तो सैलरी सब कुछ वही है। और आपके पास जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत होना जरूरी है और हिंदी होना जरूरी है, उसके साथ इंटरमीडिएट या आपके पास ग्रेजुएशन में और UTET या CTET सेकंड होना जरूरी है। और यहाँ पर एक तो संस्कृत के निकल के रखे, दूसरा SST के, दो पोस्ट यहाँ पर। और यहाँ पर जो पोस्ट रखा गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संस्कृत का होगा और यहाँ पर अन्य जो आपके अनुसूचित जाति वाले हैं उसके लिए SST का होगा, ये इसके तरह दो है क्योंकि दो पोस्ट यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है, इसका भी यहाँ पर 18 दिसंबर 2021 को पब्लिश डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका प्रोसेस आपका वही है जो शासकीय स्कूल है, सब के सब गवर्नमेंट जो है जॉब है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस ये शासकीय स्कूलों की जो गवर्नमेंट जॉब है तो इन पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया हुआ है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। और इसके लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी यहाँ पर हैं।